हेलो, गुड आफ्टरनून। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब कोई मस्त होंगे। तो अभी लंच करने का टाइम है, मतलब सोच सकते हैं कि दोपहर हो गया है और अभी एक पार हो गया है, तो अभी हम लोग लंच करें। आज लंच में कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। भेज बिरयानी है, रायता है, पापड़, बस सिंपल सा लंच हम लोग का रेडी है। तो अभी हम लोग खाने बैठ गए हैं, तो ये भी आए नहीं थे, तो अभी वो आ गए हैं। तो मैं अभी देखे उनको बोली कि चक्कू थोड़ा लाइए ना, मैं भूल गई आम काटने, तो फिर मैं आम को काटूंगी। क्योंकि जब से आम सब लाया जा रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले फ्रिज में रख देती थी, जिसकी वजह से कि आम का मिठास ही घट जाता था, अच्छा नहीं लगता था पता नहीं क्यों। तो फिर मैं अभी क्या करती हूँ कि आम को बाहर ही रख देती हूँ, भले उसमें से एक दो सड़ भी जाएँ, क्योंकि इनको बोलने से भी ये नहीं सुनते हैं, ज़्यादा ज़्यादा करके आम ले आते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम सब आम कितना पसंद करते हैं। और आम जब तक रहेगा मार्केट में, हम लोग के घर में तब तक ही रहेगा। तो इसी वजह से बस आम का जो क्रेजीनेस है हम सब में बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग खाना खा लिए हैं और मैं आ गई हूँ किचन का साफ़ सफाई करने आई हूँ, क्या कर चुकी हूँ। तो बस बर्तन सबको सेट कर रही हूँ। आज मैं ड्रेनर को इधर नहीं लाई थी, तो जो बर्तन सब यहाँ रखी थी तो वो उधर शिफ्ट कर रही हूँ। और भेज बिरयानी मैं प्रेशर कुकर में बनाई थी, तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, और ये सब बनाने से ना आपको बर्तन भी ज़्यादा नहीं होता है और काम भी तुरंत हो जाता है। हम लोग के यहाँ बारिश चालू हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि मैं काम करने के बाद पता नहीं और ब्लॉग को कभी कंटिन्यू करूँगी या नहीं, क्योंकि मुझे बड़ी जोर का नींद आ रहा है। तो मैं सो के उठूँगी, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। आप लोग देखते रहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम हो गया है और मैं रेस्ट ले रही थी। रेस्ट क्या ले रही थी, सो ही गई थी, क्योंकि बारिश होने के बाद नींद इतना अच्छा आता है और मेरा फेवरेट मौसम में से है कि जैसे अभी से ज़्यादा मुझे सुबह का टाइम जो बारिश होता है तभी ज़्यादा अच्छा लगता है कि बारिश हो रहा हो और ठंडा ठंडा हवा चलता हो, तब नींद बहुत अच्छा आता है। तो मुझे भी वैसे बहुत अच्छा नींद आता है, तो मैं सो जाती हूँ ज़्यादा देर तक। तो अभी तो दोपहर को मैं पूरा अच्छे से सो गई और सो के उठ रही हूँ। अभी टाइम हो गया आपका 5:10 हो गया है, तो मैं उठ के आई, तैयार हो गई। देख सकते हैं तब कैसी थी और अब कैसी होके आई हूँ, क्योंकि मेरा ये जो शाम का टाइम रहता है मैं अक्सर तैयार होके ही मतलब रहती हूँ। तो अभी देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, क्या इत लगा है, मैं अभी किचन में आ गई हूँ और बोल रही थी जैसे कि कुछ स्पेशल बनाऊँगी तो ज़रूर स्पेशल बनाऊँगी। उसके लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाई हूँ, तो सोच रहे होंगे आलू का क्या बनेगा। तो हाँ, आलू का मैं आज कुछ बहुत ही स्पेशल बनाऊँगी, तो मैं आज आलू का बनाऊँगी। आइए, हेलो तो बोलते जाइए, कैसे चल जा रहे हैं? ओहो, हाथ धो के आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हमको लगा कैसे बिना हाई के चल जा रहे हैं। बिना हाई के नहीं जा रहे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हम सब बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू। भाषण क्या भाषण देके जा रहे हैं? नहीं, थैंक यू बोले, हम भींगे हुए हैं। ओहो, एक्चुअली बाहर गए थे तो अभी भी बारिश गिर रहा है, तो फिर वो भींग गए हैं। चलिए, हाथ धो के आए हैं। हाँ, चेंज करके आइए, जाइए। तो वो चेंज करके आते आते हमें तब से देखिए सोच रही हूँ, बोलूँगी और बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो हाँ, मैं चीज़ बॉल बनाऊँगी, चीज़ का बॉल्स बनाऊँगी। खाने में, देखने में, सब तरह से वो एक नंबर चीज़ है, तो चीज़ ही चीज़ है, तो उसी का ही बनाऊँगी। चीज़ अब सबको मुझे लगता है पता ही है, बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है, जो कि हम लोग के घर में जो मार्केट में अवेलेबल रहता है हम लोग के घर में आ ही जाता है। तो फिर उसी चीज़ में से वो एक चीज़ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा वाला। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर सबके घर में आता ही है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा वाला है। एक मिनट रुकिए, मैं लाती हूँ फ्रिज से। ये वाला देखिए, ये वाला, और सेम गिर गया पानी भी थोड़ा सा। और ये वाला देखिए, ये भी सेम है पर इससे बड़ा है, ये थिक है, ये पर थोड़ा सा पतला है, पर ये बड़ा है। और एक ये वाला है, ये जो क्यूब वाला मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ जो वाला,
यही वाला है, तो आप लोग इसको मार्केट से अच्छा ले सकते हैं। इसका प्राइस आता है 150 रुपीज़, और इसमें रहता है, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना क्यूब्स रहता है। इस तरह का क्यूब्स रहता है इस चीज़ के अंदर, और बहुत सारा रहता है। हाँ, ये 200 ग्राम का आता है, 200 ग्राम का आता है और 150 रुपीज़ लेता है। आप इसको परचेज कर सकते हैं मार्केट में, बहुत अच्छा आराम से मिल जाता है हर मार्केट में। जैसे हम लोग का केक वगैरह जहाँ मिलता है, हम लोग के यहाँ तो वही दुकान में मिलता है। और एक चीज़ ये वाला देखिए, ये स्लाइस स्लाइस है, ये जैसे हम लोग बर्गर वगैरह खाएंगे, सैंडविच बर्गर खाएंगे, तो उसके लिए ये वाला परफेक्ट है। ये पूरा स्लाइस रहता है पतला पतला, पर इसको हम मैं ओपन नहीं की हूँ, तो नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखा देती कैसा वाला रहता है। बिल्कुल पतला सा रहेगा, आपको काटने का ज़रूरत भी नहीं है, आप अंदर एक ही स्लाइस डाल दीजिए, आ जाएगा उसी में ये वाला। और ये जो रहता है, इसमें दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट दिखा देती हूँ कौन सा वाला ओपन है। ये भी ओपन नहीं है। हाँ, ये वाला कोई क्यूब नहीं, आप देखिए कोई क्यूब नहीं, ऐसे ही बस आता है। हम इसको ग्रेट करके यूज कर सकते हैं ऐसे ही, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर पिज्जा वगैरह खाना है, चीज़ के चलते पीज निकला है, तो आपको अगर चीज़ यूज करना है पिज्जा में, तो उसके लिए आप मोजरेला ही लीजिए। वो मोजरेला में ही आता है, ये टेस्टी बहुत ज़्यादा है, पर वो जो रस्सा रहता है इससे नहीं हो पाता है, तो पर ही खाने में तो बहुत और हेल्दी ये जो रहता है। तो चलिए, मेरा ये चीज़ का स्टोर ख़त्म करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं, इसका यूज करेंगे। आज यूटिलाइज होगा, इतना सारा चीज़ लाए हैं तो एक का तो यूज होगा ही होगा। और ये वाला जो मैं आपको बोल रही थी, थोड़ा थीक आता है, पर इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये 106 रुपीज़ है। इसमें है आपका क्वान्टिटी, इसमें भी 200 ग्राम है, इसमें 200 ग्राम है, ये आपका आता है 106 रुपीज़ का। आप इसको परचेज कीजिएगा तो आराम से, और बहुत ही ज़्यादा है। आप एक बार में जैसे आप पिज्ज़ा बनाते हो या फिर घर पर पराठा वराठा कुछ भी बना रहे हो, चीज़ तो टेस्टी चीज़ है, आप इसको आराम से सब कोई पसंद ही करेंगे। तो आप इसको यूज कर सकते हो, एक ला के आपका बहुत दिन हो जाएगा, 3-4 बार तो आराम से हो जाएगा। पर जैसे कि मैं आज चीज़ का बॉल बनाऊंगी, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लग जाएगा मेरा, तो इसलिए बस आप लोग को दिखा दी, जो लोग नहीं जानते हैं या फिर जानते हैं तो फिर भी मैं आपको बताई कि ये वाला मेरे पास है, बस इसीलिए निकाल के लाई हूँ दिखाने के लिए कि क्या क्या है मेरे पास अभी स्टॉक में। तो इसको मैं रख देती हूँ, जब यूज करूँगी तो निकालूँगी। चिल्ज बॉल बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल्ड आलू, तो यहाँ पर देखिए मैं आलू को बॉयल करके उसका छिलका को हटा ली हूँ। मैं यहाँ पर ली हूँ 4 आलू, जो कि हम लोग के लिए काफ़ी है। अभी स्मैश कर लेंगे, पूरा नमक डालेंगे, और अभी इसमें कुछ नहीं देना है, बाकी फिर धीरे धीरे सब कुछ मिलाएंगे। पहले तो नॉर्मल अभी इसको स्मैश करना है, आप हाथ से भी कर सकते हो, फोर्क से भी कर सकते हो, और स्मैशर से भी कर सकते हो, बस मतलब है स्मैश करने से ही। और यहाँ पर देखिए मैं ली हूँ, ये है कॉर्न, स्वीट कॉर्न है ये, जो कि फ्रोजन है, पर आप चाहें तो जैसे हम लोग का आजकल अभी नॉर्मल लोकल वाला जो फ्रेश वाला कॉर्न आ गया है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, पर हाँ डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में हो या फिर कढ़ाई में हो, एक बार प्रेशर कुकर में होने से आप 2 सीटी लगा दीजिएगा मीडियम फ्लेम पर, और कढ़ाई में कर रहे हैं तो देखिएगा कि ज़्यादा गल ना जाए, पर बॉयल करना ज़रूरी है, नमक डालकर आप उसको बॉयल कर लीजिएगा, तो फिर वो रेडी हो जाएगा, जैसे कि हम लोग इसमें डाल सकते हैं। और आप उसको स्टोर करके भी टिफ़िन वगैरह में रख सकते हो, 5-7 दिन के लिए वो आराम से रह जाएगा फ्रिज में। तो अभी मैं इसको यूज करूँगी, जो कि मेरे पास रखा हुआ है फ्रोजन वाला ये स्वीट कॉर्न, तो उसको यूज करूँगी। और यहाँ पर चीज़ जो दिखाई थी इतना सारा, उसमें से मैं इसको लाई हूँ, ये चीज़ ब्लॉक है, मैं इसमें से थोड़ा सा अभी ग्रेट करके रखूँगी, जो कि अभी मिलाने के लिए, फिर हम लोग उसको स्टॉपिंग के तौर पर भी यूज करेंगे। तो फिर चलिए इसको पहले ग्रेट कर लेते हैं। और बनाने से पहले जो चीज़ हमेशा बोलती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए, और साइड में ऑल है उसे टच कर दीजिए, जिसमें कि मेरा हर वीडियो का, आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और आप सारे आने वाले वीडियो का मजा ले सकेंगे। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए मैं अपना इंस्टाग्राम का जो आईडी है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप उसको भी चेक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। और कुछ पुरानी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली बनाना चालू करते हैं हम लोग का चीज बॉक्स। मैं भी चीज़ को ग्रेट कर रही थी तो मुझे लगा कि आप लोग को एक सबूत भी दे दूंगी, इसलिए मैं चीज़ का ग्रेट किया हुआ टाइम इतना ज़्यादा ऐड की हुई इसमें, बाकी वरना तो मैं इसको थोड़ा स्किप करके निकल लेती। पर लगे हाथ सबूत भी मिल जाएगा आप लोग को कि मैं पहले बोलती थी मेरे घर में बिल्लियाँ हैं, तो इस बिल्ली जो बड़ा बिल्ली छोटा बिल्ली दोनों मतलब हैं, तो फिर एक बिल्ली का तो सबूत आप लोग को मिल ही जाएगा, क्योंकि ऑन कैमरा में तो चोरी होता नहीं है। ये देखिए, देख लिया आप लोग, इसी तरह से चोरी होता है मेरे घर में थोड़ा थोड़ा करके, पर एक साथ हैं बारी बारी करके आके दोनों। यहाँ पर मैं लगभग 100 ग्राम चीज ली हूँ। और यहाँ पर आलू को भी स्मैश करके रखी हूँ मैं, और अभी इसमें हम लोग कॉर्न को मिला देंगे। साथ में थोड़ा सा भी चीज मिलाएंगे, बाकी का स्टफिंग के लिए यूज करेंगे। और ये कोरिएंडर लीव्स है, इसको भी कोरिएंडर लीव्स को हम लोग थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में डालेंगे इसमें। और इसमें अभी हम लोग ड्राई मसाला को मिलाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले नमक, फिर मैं लाल मिर्च का पाउडर मिला रही हूँ। आपके पास अगर चिली फ्लेक्स हो तो फिर आप उसको जरूर से डालें। और धनिया पाउडर, और यहाँ पर देखिए मैं अजवाइन डाल रही हूँ 1 चम्मच, और साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच। इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए, हमने अच्छे से मिला लिया है, और इसको अब इस तरह से हाथ में लेंगे। इस तरह का बना लेंगे, और इसमें यहाँ पर हमने जो बचा के रखा था चीज को उसको डाल देंगे। तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह का तैयार करेंगे। अब हम बाकी जितने भी हम लोग का बॉल्स बनेगा हम इसमें से तैयार कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए मैं एक बाउल में ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर हम लोग इसमें 2.5 चम्मच ले रहे हैं, और साथ साथ हम लोग इसमें मैदा भी लेंगे, बराबर क्वांटिटी में लेना है, और कुछ नहीं मिलाना है, बस पानी डालकर, हल्का सा पानी डालकर 1/2 कप जैसे पानी डालेंगे, और इसका एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे, जैसे कि हम जो बॉल तैयार करके रखे हैं वो सबको इसमें डिप करके हम ब्रेड क्रम्स का कोट लगाएंगे। तो बस ऐसा ही चाहिए हमें एक बैटर, ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं। ये देखिए, बस एक कोट लग जाए जिससे कि हम लोग का ब्रेड क्रम्स जो है उसके ऊपर आ जाए। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, इसको एक बार हमें डिप करना है बैटर।
में भी हमें ब्रेड क्रम्स में डिप करके इसका कोट लगाना है। तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स को तैयार कर देंगे, जिससे कि आप चाहें तो ये जो बैटर है उसको और हल्का सा बस हल्का सा ठीक बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पतला कर दी हूँ और हमें मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इतना ही पतला करती हूँ। बस इस तरह से हम सारे बॉल्स को तैयार कर लेने के बाद इसमें तलने के लिए रेडी कर दिए हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल दिए हैं और इस तरह से अभी हम लोग का जो गैस का फ्लेम है लो मीडियम है, तो अभी हम लोग एक एक करके छोड़ देंगे। अब इसको हाई मीडियम फ्लेम कर देंगे। एक बार हाई मीडियम फ्लेम पर तल जाने के बाद हम लोग इसको हल्का सा कम कर देंगे गैस का फ्लेम को, और एक ओर से सीक चुका है देखिए। फिर हम लोग दोनों ओर से इसको इसी तरह से बस सेम प्रोसेस से इसको तल लेंगे और इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जैसे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं कुछ कुछ तो ऐसे करूँगी ही करूँगी, क्योंकि ज़्यादा जो फ्राई हो जाता है ज़्यादा क्रंची हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा होने से ये फिर हम लोग को टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए अभी मेरा ये जो बॉल्स है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं थोड़ा नज़दीक से आप लोग को दिखा देती हूँ, और इसको रेडी हो गया है। तो फिर हम लोग इसको एक टावल में, किचन टावल हो, मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर ली हूँ, आप किचन टावल से भी इसको निकाल कर ले सकते हैं। और एक तरफ निकालते निकालते देखिए मेरा बाकी का वो थोड़ा सा हल्का सा डिप हो गया कलर, तो मैं चाह भी रही थी वैसे हो। तो इसी प्रोसेस से हम बाकी का जितने भी हम लोग का बॉल्स है सबको तैयार कर लेते हैं, फिर खाने चलते हैं। देखिए मेरा चीज बॉल बनकर तैयार हो गया है, थोड़ा नज़दीक से दिखा दे रही हूँ, बहुत अच्छा बना है। तो चलिए अब उन दोनों के पास लेके चलते हैं और लोग का पूछ लेते हैं कि कैसा लगा, ओपिनियन जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, उन दोनों को देख के आते हैं। लेके आ गई हूँ, देखिए दोनों बैठ गए हैं कैसे। मैं शुरू भी कर चुका हूँ। और एक तौर से मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए, देख सकते हैं चीज पूरा मेल्ट हो गया है और गर्म है अभी, और ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पा रही हूँ। ये देखिए कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा तो क्या कहेंगे बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को हम लोगों का रेसिपी पसंद आया तो प्लीज 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 एक लाइक कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं, घर पे ट्राई करें और फिर कमेंट करके भी बताएं कि कैसा लगा। चलिए तो फिर हम लोग खा लेते हैं, फिर मुझे जाना है चाय बनाने के लिए, क्योंकि ये गर्म था तो सोचा कि पहले खा लेते हैं, और खा लेने के बाद और वेट भी नहीं होगा, वेट नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग कंटिन्यू खाए जा रहे हैं। और आप लोग कहेंगे तुम भी पिएगी चाय आज ना, थोड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए चाय के लिए तुरंत ही हाँ बोल देती है, पता नहीं आज कैमरा ऑन है इसीलिए ना बोल रही है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पर बाय बाय करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, अभी से गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।